कहाँ मैं 5,000 देना था और अब मैं एकदम जिसको कहते फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी करता हूँ जर्मनी में। हाँ जी बाबियो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो आज का जड़ा व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड, और स्पेशली मेरे दोस्त ने खुद भी मेरे को मैसेज किया था कि अमित इसके ऊपर वीडियो ज़रूर आनी चाहिए। वैसे फिलहाल मैं ये ज़रूर कह दूँ कि मैंने इसके ऊपर वीडियो पहले ही बनाई हुई थी जो बहुत नीचे है। अगर आप बहुत पुरानी वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने सब कुछ अच्छी तरह डिटेल में बताया था, बट स्टिल मुझे लगता है कि मुझे एक बार फिर बताना चाहिए, बिकॉज बहुत लोगों ने मुझे लाइव सेशन में मेरे से पूछा था जब मैं इंस्टाग्राम में लाइव हुआ था, तो उधर भी आया था कि क्या इधर का कितना खर्चा है, क्या प्लानिंग है, कैसे आप आए हो, कैसे नहीं आए हो, एवरीथिंग, है ना। तो वो मैं आज इस वीडियो में फिर से अगेन ब्रीफली एक्सप्लेनेशन दूंगा, और मैं बार बार नहीं बनाऊंगा इसके ऊपर। तो अगर कोई भी बंदा मुझसे लाइव सेशन में आकर पूछ रहा है तो प्लीज़ मत पूछना, बिकॉज ये मेरा फाइनल वाला एक बार दूंगा, क्योंकि मुझे अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल हो चुके हैं इधर। तो अच्छा है कि चलो न्यू मुझे सारी चीज़ें मिल रही है, पता लग रही है, तो वो मैं आप तक पहुंचा देता हूँ कि अब जो है जर्मनी एक प्रोमिनेंट कंट्री बन रही है एज अ स्टूडेंट के लिए, बिकॉज आफ्टर कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड न्यूजीलैंड अब इन लोगों ने कोई और वीज़े खोल दिए, इनके पास बैंड्स वाले नहीं ज़्यादा बंदे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कम बैंड में बंदे आ रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो आगे मूव ऑन हो रहे हैं। तो ये वीडियोस लास्ट तक देखना, बीच में मत छोड़ना, बिकॉज अगर बीच में छोड़ोगे फिर आप बाद में बोलोगे कि यार हम यहाँ पर चूक गए, हमें वहाँ पर बता दो, मैं उस टाइम नहीं देता हूँ। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, जो भी न्यू सब्सक्राइबर है वो सब्सक्राइब कर ले मेरा यूट्यूब चैनल, और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा दें, क्योंकि अगर बेल आइकन आप दबा दोगे तो उससे आपको न्यू पोस्ट मेरी हमेशा जल्दी मिलेगी। और हिट द लाइक बटन, शेयर करना जितना हो सके, क्योंकि जो भी जर्मनी में आ रहे हैं उनको पता चल जाए कि क्या क्या चीज़ें उनको करनी है। सो जो सबसे पहला पार्ट है कि मेरी यूनिवर्सिटी कौन सी है, मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोपा अप्लाइड साइंसेज है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बर्लिन में है जो कैपिटल है जर्मनी का। जो मेरा कोर्स था वो है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड इवेंट मैनेजमेंट, ओके, ये मास्टर्स ऑफ आर्ट्स का है। पर मैं सेकेंड आपको ये भी ज़रूर बता देता हूँ, ये मैं कभी और बनाऊंगा इसके ऊपर वीडियो। अब मैं प्राइवेट से पब्लिक यूनिवर्सिटी में आ चुका हूँ, तो बट मैंने जहाँ से वीज़ा लिया मैं उसके ऊपर आप बताऊँगा। पब्लिक यूनिवर्सिटी का मैं बाद में आपको कभी फिर ज़रूर बताऊँगा, सेकेंड वीडियो में, थर्ड वीडियो में। तो बाकी जितनी भी डिटेल्स है वो आपके इधर आती रहेगी कि कितना कितना खर्चा हुआ है मेरा और कितना कितना आपका भी लगेगा, अभी नया जो आया 2023 में जो भी आ रहे हैं। मैंने ऑफ़र लेटर 20,000 में मंगाया था इंडिया के, तो ऑफ़र लेटर के बाद मेरी जो पहली पेमेंट कॉलेज की गई थी, क्योंकि यहाँ पर जर्मनी में आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर भेज सकते हैं, तो जो पहला था वो मेरा 2,000 यूरो की जो फीस थी वो गई थी, जिससे मेरा सीट जो है वो रिज़र्व हो गया था। उसके बाद मेरी गई थी 3,785 अप्रॉक्सीमेटली, इतनी मेरी गई थी, जो मेरी 6 महीने की फ़ीस थी, मतलब 5,500+ यूरो थे। बट मैं आपको यहाँ पर भी एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ, आपको कोई एजेंट के इस चीज़ में नहीं आना, अगर आपने रिज़र्व कर ली सीट 2,000 यूरो में, तो आप रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो है वो आप जर्मनी में आकर भी दे सकते हैं, बाय इंस्टॉलमेंट लेकर भी दे सकते हैं, और अगर आपके पास बहुत इनफ पैसा वैसे भी दे सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इंस्टॉलमेंट करके दें, बिकॉज आप इधर आए हो, काम करो, तो वो थोड़ा बहुत आपके लिए फ्लेक्सिबल हो जाता है, आपको ईजी हो जाता है देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी पे स्केल होती है, तो क्यों घर वालों का इतना पैसा वेस्ट करवाना। पर मैंने 6 महीने का पूरा भर कराया था। देन उसके बाद आ जाते हैं मेरी इंश्योरेंस, जब मैं इंडिया से फ्लाई करते हैं ना, ट्रैवल इंश्योरेंस भी होता है, तो वो मेरी 8,000 रुपये की हुई थी। देन उसके बाद एक पेपर वर्क्स होते हैं, जैसे ये सारा फाइल फूल बनाना, एजेंट ये सब है ना, ठगी तो होती है, अब उन्होंने करनी है, तो फाइल बनानी है उसमें, तो फाइल बनाने का मेरा 8,000 उसमें लगा था। एंड फिर एक आती है आपकी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट, क्योंकि एम्बेसी की अपॉइंटमेंट भी आपको चाहिए, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली लोग तो खुद ले लेते हैं। अब जैसे मेरे जैसे जो नहीं इतने सिक्योर्ड है, हम मोस्टली नॉर्थ इंडियंस के होते हैं, नॉर्थ इंडियंस में भी मैं आपको बोल दूंगा 95% जो हम जैसे होते हैं, जिन जो हम कभी कोई चीज़ का पता ही नहीं लगाते कि हमारी यूनिवर्सिटी सही है कि नहीं है, क्या हमें बस वीज़े से मतलब होता है कि वीज़ा है और हम बैग पैक करें और निकल जाएं वहाँ पर। अभी आपने कैनेडा का भी देखा ही है वो सिचुएशन सब कुछ, तो नहीं पता था कि अपॉइंटमेंट मैं खुद से भी ले सकता था, वो 45,000 जो रुपए हैं वो बच सकते थे, बट मैंने कोई चक्कर नहीं, क्योंकि हमें जल्दी होती है, अरे जल्दी बस निकलना है बाहर। वो 45,000 मेरी अपॉइंटमेंट के लगे हैं बेसिक के। जो अब लास्ट है
वो मैं आपको ये बताऊंगा, ब्लॉक्ड अमाउंट। अब आप ब्लॉक्ड अमाउंट पूछोगे ये क्या होता है, कैनेडा में ब्लॉक्ड अमाउंट को बोला जाता है GIC, जो आपके लिए रिजर्व होता है एक तरीके से, जो आपकी मनी है वो आप वहाँ एक्सपेंसेस यूज करो या ना करो वो आपके ऊपर डिपेंड है ना, एट द एंड यही होता है इसका रूल। तो वो यहाँ पर जर्मनी में उसको ब्लॉक्ड अमाउंट कहा जाता है। ब्लॉक्ड अमाउंट जब मैं आया था आज से 1.5 साल पहले तो वो था 10,356 यूरो, जिसका अप्रॉक्सीमेटली आप लगा सकते हैं 930,000। तो वो ब्लॉक्ड अमाउंट था, वो जो मेरा ही था, मैं यहाँ आकर वो यूज़ करूँ ना यूज़ करूँ वो मेरे ऊपर है। बट मैंने यहाँ आकर यूज़ करा है थोड़ा बहुत, ऐसी बात नहीं, बट आफ्टर दैट मैंने वो बाद में वापस भी सारा कर दिया था। वो होता है वो अब जो है वो क्यों, जो मैंने सुना है 2023 में वो हो चुका है अब 11,356, मतलब 1,000 यूरो और ऊपर बढ़ चुका है। तो आपको ब्लॉक्ड अमाउंट भी करानी पड़ेगी। अब ब्लॉक्ड अमाउंट में दो तीन हैं जो मुझे पता है, मैंने कोटक महिंद्रा बैंक से करवाया था, ठीक है, मुझे उसका इंटरेस्ट भी अच्छा पड़ा था क्योंकि मेरा एक साल के बाद वीज़ा आया था, तो मैंने एक साल ब्लॉक करके रखा था तो मुझे इंटरेस्ट भी मिला था उसमें। CICI बैंक भी करते हैं, तो वो चॉइस आपकी है और आपके एजेंट के, वो किस में करवा रहा है। तो मेक श्योर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप जो भी ये चीज़ें कर रहे हैं वो एकदम ध्यान से करें और पता करें कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी जगह से कैसे कैसे हैं। और फिर उसके बाद मैंने 7,80,000 मुझे मनी शो करानी थी, तो वो मैंने मनी शो कराई, वो तो आपको पता ही है कैसे तैसे करके बंदा करवा देता है। सारी चीज़ें थी जो मैंने की है, सारी चीज़ों का जो सपोर्ट मुझे मिला है, तब मैं यहाँ पर आया हूँ। तो जो जर्मनी का खर्चा वो अप्रॉक्सीमेटली इतना ही है, 15-16 लाख तक, ठीक है। अगर आप वो, एक मैंने फ़ीस बताई थी आपको पहले कि अगर आप कॉलेज की पूरी फ़ीस ना भर के वो 2,000 रिजर्वेशन की भर कर आते हो तो आपका देखो 10 लाख आपका हो गया एक तरीके से ब्लॉक्ड अमाउंट का, तो वो तो वापस आ जाएगा, बट आपको दिखाना तो पड़ेगा, है ना, 10 लाख। फिर जो 2000 उस टाइम का था वो 1,84,000 था, तो 10, 11, 84 हो गया। बाकी आप जो भी जितने भी ये कैलकुलेशन मैंने बताए हैं वो ऐड ऑन कर दें तो अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख के बीच बीच हो जाता है। बट जब आप पूरा सेमेस्टर का फीस भरते तो थोड़ा बहुत बजट हिलता है, ऐसी बात नहीं है। एट दी एंड अगर मैं कहूँ कि मेरी फ़्लाइट की टिकट्स मैंने एजेंट से नहीं कराई, क्योंकि मेरी खुद की सिस्टर जो है वो ट्रैवल एजेंट है, तो मुझे कभी भी फ़्लाइट्स का, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का मेरे को कोई चक्कर नहीं पड़ा है। तो मेरे को तो ऑन दी स्पॉट भी मुझे डिस्काउंटेड मिली थी, अगर मैं बहुत पहले भी लूँ तभी भी मुझे बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड मिलेगी, और मैंने काफ़ी अपने दोस्तों को भी रिकमेंडेड किया। तो मेरी खुद की रियली सिस्टर है वो, इसलिए वो लोग भी कभी कभार चल जाते, बोलते हैं सिस्टर से ही करवा दे, तो फिर उनकी फ़्लाइट में है अपनी सिस्टर से बोल कर करवा देता हूँ, क्योंकि जब खुद एजेंसी में है तो टेंशन किस बात की है। तो मेरी ऑन द स्पॉट, मुझे पता है ऑन द स्पॉट लोगों ने एक एक हफ्ते पहले टिकट बुक कराई थी, तो वो अप्रॉक्सीमेटली उनको पड़ी थी 48,000 की, क्योंकि सिंगल ट्रिप मारा है ना इधर को आए, तो 48,000, और मुझे पड़ी थी ऑन द स्पॉट, मतलब जिस दिन जाना है उससे एक दो दिन पहले मुझे पड़ी थी 45,000 रुपीज़ की, मुझे 3,000 का उसमें फ़ायदा वैसे ही हो गया, है ना। अगर मैंने वो एक हफ्ते पहले कराई होती अगर दीदी को बोलकर, तो मेरा तो कितना टाइम पहले, मतलब बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं मुझे बेनिफिट मिल सकता था। ये जो चीज़ थी वो मेरा यहाँ पर आने का, इसका खर्चा कितना है और कितना आप लोगों का भी आ सकता है, ये सारा चीज़ ये मैंने आपको बताया। मैं अभी अभी भी बता देता हूँ, मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं हूँ, मैं पब्लिक यूनिवर्सिटी में हूँ, ठीक है। तो मैं पब्लिक यूनिवर्सिटी की भी बताऊँगा, तो अब क्योंकि मैं सेफ़ हूँ, क्योंकि मेरा खर्चा कुछ भी नहीं है यूनिवर्सिटी का, कहाँ मैं 5,000 देना था और अब मैं एकदम जिसको कहते फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी करता हूँ जर्मनी में, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा, बट ये मैं अगले में बनाऊँगा, ठीक है। सो होप आप सब लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और मैं आपको ज़रूर कहूँगा जर्मनी में आइए, कमाइए, पढ़िए, बहुत स्कोप है, बहुत कुछ है यहाँ पर भी। और एट द एंड लव यू ऑल, चाओ चाओ।